कार्यक्रम किया था, मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और विक्रम जी को भी बधाई देता हूँ कि आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल खेलें, भारत का नाम रोशन करें। कार्यक्रम काल से मिलते हैं राकेश जी, यादव जी आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम करें, इसके बारे में आपका क्या कहना? मेरी सोच हमेशा यही रहती है कि हमारे क्षेत्र में अच्छे पहलवान बने, अच्छे खिलाड़ी बने और हमारा सपना भी यही कि हमारे गाँव में हमारे क्षेत्र के अंदर जितने भी अखाड़े लुप्त हो चुके हैं उनको ज़्यादातर जीतू भैया के सहयोग से या मानसिंह जी के सहयोग से हम सबको जहाँ जहाँ अखाड़े में मीट की व्यवस्था करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छे पहलवान यहाँ पे बने। जैसे ये कार्यक्रम में करवा तो कहाँ कहाँ से पहलवान आए थे? यहाँ पहलवान हरियाणा से पहलवान आए थे, उत्तर प्रदेश से आए थे, पंजाब से आए थे, पंजाब से आए थे, पूरे मध्य प्रदेश से एक से एक अखाड़े के पहलवान आए थे यहाँ पर। लगभग कितने पहलवानों ने भाग लिया होगा? यहाँ कम से कम 200-250 पहलवानों ने भाग लिया, जिसमें 70-80 कुश्तियाँ हुई हैं, एक से कांटा पर कुश्तियाँ हुई हैं, जिसमें बड़े कुश्ती विक्रम यादव पहलवान फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की हुई, जिन्हें विजय प्राप्ति हुई है और बहुत ही शानदार कुश्तियाँ हुई हैं। तो हम विजेता पहलवान विक्रम जी से बात चर्चा करते हैं। विक्रम जी कैसा लग रहा है आपको बड़ी कुश्ती हुई? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए कार्यक्रम ग्रामीण अंचल का एक बहुत शानदार कार्यक्रम था और इसमें फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की पहलवान ने भाग लिया विक्रम यादव ने, और ये पूरे देश में भी बहुत लोकप्रिय पहलवान है। इनके सामने जो पहलवान था वो भी बहुत लोकप्रिय पहलवान था और बहुत अच्छा पहलवान था, वो हरियाणा का पहलवान था, लेकिन विक्रम पहलवान ने ज़्यादा मेहनत करी होगी या आज भाग्य ने इनका साथ दिया। और ये कुश्ती बहुत अच्छी लड़ते हैं। आपको इनके बारे में एक बात ये बता दूं कि इन्होंने खेत पे अखाड़ा बनाया हुआ है और पूर्वजों के द्वारा बनाया गया है, फिर इनको विरासत में कुश्ती मिली है और ये बहुत अच्छे पहलवान के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं और हर जगह पूरे मध्य प्रदेश में इनको बुलाया जाता है। और आज हमने यहाँ राकेश भाई यादव के जन्मदिन का अवसर था, 1 तारीख को इनका जन्मदिन था, लेकिन हमको कुश्ती का आयोजन बड़ा करवाना था तो हमने 8-9 दिन का समय लिया और पूरी टीम ने मिलकर एक दंगल करवाया और उस दंगल में विक्रम यादव ने बहुत आकर्षक कुश्ती लड़कर मुख्य कुश्ती में विजय श्री प्राप्त की। और मैं आपको बता दूं कि इस दंगल में कम दंगल ऐसे होते होंगे, सभी के दंगल अच्छे होते हैं, वैसे अपन किसी को गलत नहीं बोल सकते, हर आयोजन सबके अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को मेडल सर्टिफिकेट ट्रॉफियाँ और हजारों रुपये की इनामी राशि वितरित की गई है। और यहाँ के जितने नेता थे राजनीतिक, जो जिनके राजनीतिक जीवन जो अपना प्रारंभ कर चुके हैं या कर रहे हैं, वो सारे यहाँ मौजूद थे और सबने सराहा है। हजारों की तादाद में यहाँ पब्लिक थी, उन पब्लिक को भी बहुत आनंद आया और सब बहुत आशीर्वाद और बहुत दुआएं देकर गए। और विक्रम यादव के साथ आप देख रहे हैं युवाओं का, युवाओं में इनका बहुत क्रेज है, अभी सभी युवाओं ने इनके साथ सेल्फियाँ ली, फोटो खिंचवाए और हम लोगों को भी बहुत खुशी हुई कि एक अच्छे पहलवान का आगमन मध्य प्रदेश में।